हम क्या करते हैं, जब गर्मी आती है तो शिवलिंग के ऊपर एक घड़ा टांग देते हैं और उनके ऊपर एक एक बूंद पानी टपकता रहता है। परमात्मा ने कहा, मैं जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, ये ज्ञान पूरा तो आप धारण नहीं कर सकते अपने जीवन में, लेकिन एक एक बूंद रोज अपनी बुद्धि रूपी घड़े में टपकाओ, धारण करो, एक दिन आपका बुद्धि रूपी घड़ा भर जाएगा। हमने क्या किया, अपने अंदर तो टपकाया नहीं और उन्हीं के ऊपर टपका दिया, उन्हीं के ऊपर घड़ा लटका दिया। अब उनको जरूरत है, वो तो शीतलता के सागर हैं, उनको इन स्थूल चीजों की जरूरत नहीं है, ये सब हमको जरूरत है। शिवरात्रि के दिन व्रत रहते हैं, परमात्मा ने कहा एक एक बुराई का रोज व्रत करो। जब एक एक बुराई का हम रोज व्रत करेंगे तो हमारे अंदर से धीरे धीरे ये बुराइयां छूट जाएंगी। तो वास्तव में भगवान ने हमें इसका आध्यात्मिक रहस्य यही बताया है, क्योंकि परमात्मा के हम सब बच्चे हैं और एक पिता अपने बच्चों को कभी कष्ट नहीं दे सकता, कष्ट में है, इसीलिए हम उन भगवान मांग रहे हैं कि जो तुम्हारे अंदर बुराइयां हैं, जो तुम्हारा बोझ है, वो सब तुम मुझे दे दो, मैं वो लेने के लिए आया हूँ।